हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, ये है उसी दिन का रात का, मतलब जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी उसी दिन रात को हमने मेहंदी लगाई थी। तो ये है मेहंदी के दिन का। तो इस तरह से मेहंदी की थाली सजाई थी हम लोगों ने और फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था। एक्चुअली मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी मेहंदी मेरी दिखा देती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी निकालती हूँ। फिर भी आप देख लीजिए, कोई निकालने वाला नहीं था वहाँ पर, तो मैंने ही सबसे लास्ट में मेहंदी निकाली अपने हाथों पर। और वो भी मेरी जो भाभी है उसकी बहन ने निकाल के दी मुझे। और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर गाने का प्रोग्राम भी हो रहा था, उसके साथ साथ सबके हाथों पे मेहंदी लगाना भी चल रहा था। मतलब जिनको जिनको आ रही थी मेहंदी, वो एक दूसरे के हाथों पे मेहंदी लगा रहे थे। तो ऐसे करके सब लोग रेस्ट भी कर रहे थे यहाँ पे, और कुछ लोग मेहंदी भी निकाल रहे थे, कुछ लोग गाने भी गा रहे थे। एक्चुअली सभी लोगों ने गाने गाए। गाने वैसे इतना अच्छा गाने का प्रोग्राम हुआ ना, बट गाने मैं सुना नहीं सकती हूँ आपको। मतलब मैंने शॉर्ट शॉर्ट में क्लिप ली है बस, गाने नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा इसी वजह से। और ये जो माइक वगैरह जो म्यूज़िक सिस्टम है वो हमारे यहाँ से ही हम लोग लेके आए थे। उस दिन मैंने आपको जैसे दिखाया, पूरा एक बैग उसी की हो गई थी। और ये गाने का प्रोग्राम हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम लोग गाने वगैरह गाएंगे, क्योंकि इनको तो आप लोगों को सभी को पता है कि गाने का शौक़ है। मेरे भाई को भी गाने का शौक़ है। तो यहाँ पर दूल्हे की मेहंदी लगाना चल रहा था, यहाँ पर मेरी मम्मी की ये मेहंदी है, उसने शायद खुद ने हाथों से लगाई थी या पता नहीं किसी ने लगा के दी थी उसे। आगे ये गाना गाएंगे तो वो गाना आप सुन लीजिए, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। एंगेजमेंट के दिन रात को मतलब मेहंदी वगैरह हुई थी, उस टाइम बहुत ही अच्छा गाने का प्रोग्राम हुआ। सब लोगों ने गाने गाए, हम लोगों ने सुने, जिनको जिनको गाने आते थे उन लोगों ने गाने गाए, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब गाने वगैरह गा रहे थे सब लोग तो। और रात को 2-3 बजे तक हम लोगों का प्रोग्राम चला वो गाने का। उसके बाद सुबह उठ के ये चल रहा है अभी, मतलब ये जो हो रहा है ये मामा करते हैं, मतलब दूल्हे के मामा या दुल्हन के मामा। दुल्हन के घर पे दुल्हन के मामा करेंगे और दूल्हे के घर पे दूल्हे के मामा करेंगे। तो ये मंदिर में लेके जाते हैं इसे, हमारे साइड में मतलब मराठी में जोनार की पार्टी बोलते हैं। तो ये लेके जाते हैं मंदिर में और ये वहाँ पर रखते हैं, फिर लेके भी आते हैं घर पे। तो ऐसा सब कुछ होता है यहाँ पे। सुबह सुबह उठ के मामा करते हैं ये, और सब लोग उनको मतलब रेडी करके देते हैं, फिर मामा उठा के लेके जाते हैं। तो आप देख लेना आगे मामा किस तरह से इसे सिर पर उठा के लेके जाएंगे। तो ये हमारे साइड में होता ही होता है, मतलब मेरी शादी में भी मामा ने किया था। अभी ये दुल्हन के यहाँ पे भी ऐसे ही होता, मतलब हो रहा होगा जैसे हमारे यहाँ पे हो रहा है, सेम टू सेम दुल्हन के मामा भी लेके जा रहे होंगे इसी टाइम पे। तो मेरी शादी में भी मेरे मामा ने ऐसे ही किया था। सॉरी, मुझे कफ और कोल्ड है इसी वजह से ये बीच बीच में इस तरह से आवाज़ कर रही हूँ मैं। और हाँ, मेरी शादी की मतलब हाँ, इसकी शादी का ये देख के सब कुछ मेरी शादी ही याद आ रही है मुझे। और हाँ, कब से सोच रही हूँ कि मैं आपको मेरी शादी दिखाऊँ, मतलब मेरी शादी की जो वीडियो है वो दिखाऊँ, बट हो ही नहीं पा रहा है यार। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है उसके साथ। तो कभी वो क्लियरिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो। बट मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ दिन मुझे दीजिए आप। उसके बाद मैं आपको मेरी शादी का वीडियो भी दिखाऊँगी, मेरी शादी का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी, हल्दी का ब्लॉग, शादी का ब्लॉग ऐसे ही आपके साथ शेयर करूँगी, छोटी छोटी क्लिप लेके या एक ही इसमें मैं थोड़ा थोड़ा लेके आपके साथ शेयर कर दूँगी। ऐसा सोच रही हूँ मैं कब से, लेकिन होगा जल्दी ही, आपके साथ शेयर तो करूँगी मैं। और हाँ, यहाँ पर बस ये उठा के लेके जाएंगे मामा। हल्दी के दिन का ये प्रोग्राम है, मतलब हल्दी के दिन सुबह सुबह ये होता है। हम लोगों ने शाम को तो मेहंदी लगाई थी, मतलब एंगेजमेंट के दिन। ये हल्दी के दिन का है, सुबह ये ही होता है। और उसके बाद देवकुंडी होती है, देवकुंडी भी आप देख लेना आगे कैसी होती है। उसके बाद फिर हम लोगों को हल्दी की तैयारी करनी थी, तो फिर हम लोगों ने हल्दी की तैयारी की। तो ये मेरे बड़े पापा का बेटा है, और ये मेरे मामा, फिर मेरी बड़ी मम्मी, उसके बाद वो जो है वो मेरी भाभी के मम्मी पापा हैं, मतलब बड़े पापा की बेटी की वाइफ के मम्मी पापा हैं। और बस यहाँ पर मामा लेके जाएंगे ये, तो यही चल रहा है। थोड़ी ही दूर में मंदिर है तो वहाँ पर लेके जाएंगे, और फिर दोबारा से आते हैं वही लेके। यहाँ का दिया बुझना नहीं चाहिए, इसी वजह से ये ढक के रखते हैं, मतलब इसके अंदर जो दिया लगा है वो बुझना नहीं चाहिए, इसी वजह से ये ढक के रखते हैं। उसके बाद ये
सिर पे उठाते हैं, सिर पे उठा के इस तरह से ये लेके जाते हैं मामा। मामा चले गए उधर मंदिर में। उसके बाद हम लोगों ने हल्दी की तैयारी की, मामी वगैरह ने और मेरी भाभी ने मिलके हल्दी की थाली सजाई। और ये हल्दी की थाली सजाने का ही काम चल रहा है यहाँ पे। मामी और जो मेरी भाभी है उसकी बहन सब कुछ कर रही थी, मतलब डेकोरेशन वगैरह हल्दी की थाली का। उसके बाद मेरी भाभी ने किया, उसके बाद मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, इन्होंने भी हेल्प की। तो इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो हल्दी में ना मैंने थोड़ा सा उसमें विको टर्मरिक मिलाने के लिए बोला था मम्मी को, और विको टर्मरिक ख़त्म हो गया था। तो मम्मी उसमें से निकाल निकाल के डाल रही है। हल्दी में विको टर्मरिक डाला, उसके बाद ये मेरी बड़ी मम्मी उपटन डाल रही है। उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली और उसके बाद उसमें गुलाब जल डाला। तो ये रेडी हो गई यहाँ पर शगुन की हल्दी। और ये डेकोरेट किया था मामी ने और मेरी भाभी की बहन ने मिलके। और जो मेहंदी की थाली थी वो भी मामी ने और मेरी भाभी की बहन ने ही मिलके सजाई थी। और ये हल्दी की थाली भी उन्होंने ही, दोनों ने मिलके सजाई है। बट उसके बाद थोड़ा सा कल्याणी आएगी, मतलब जो मेरी भाभी है बीच वाली, वो आएगी और उसको थोड़ा सा अलग चाहिए था तो उसने थोड़ा सा अलग किया था। बट तब तक ना यहाँ पर मामा उधर से आ गए थे मंदिर से, तो मामा यहाँ पर रेडी कर रहे थे देवकुंडी का ये सब कुछ। ये यहाँ पर नीचे मिट्टी डालते हैं, उसमें कोई धान डालते हैं जैसे कि धान उगने के लिए वो डालते हैं, उसके ऊपर मटके रखते हैं। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी कि कैसे होता है। तो यहाँ पर कल्याणी आ गई थी, तो कल्याणी ने ये थोड़ा सा अलग डेकोरेट किया और ये उसको थोड़ा सा वो पत्ते वत्ते अलग चाहिए थे तो उसने वो पत्तों का कुछ किया था। वो आपको पास से मैं बाद में दिखा दूँगी कि उसने कैसे किया था। तो ये उसने अलग से पत्ते लाए थे तोड़ के। घर में ही बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो इसी वजह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। उसने ये वहाँ से तोड़ के लाए थे और इस तरह से ये डेकोरेशन किया था हल्दी की थाली का। बहुत अच्छी हल्दी बनी थी यार, मतलब बहुत ही अच्छा ग्लो आया था हल्दी की वजह से। तो ये इस तरह से तीन चार चीज़ों का मिक्सचर किया था। और यहाँ पर देवकुंडी में इस बार बिठाया था मेरे बीच वाले भाई को और भाभी को। वैसे देवकुंडी में या तो बड़े भाई और भाभी बैठते हैं, नहीं तो फिर मम्मी पापा बैठते हैं। इस बार भाई और भाभी को बिठाया था यहाँ पे, तो वही देवकुंडी कर रहे हैं। देवकुंडी आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर ब्राह्मणा के कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और जो मिट्टी वहाँ पर रखी है उसमें धान डालते हैं। उसके बाद वहाँ पर दो मटके रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं। फिर जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना और शादी के बाद आते हैं उसको हिलाते हैं। तो ऐसे करके ये देवकुंडी का प्रोग्राम होता है। मतलब मराठी जो है वो उनको पता होगा, जो हमारी साइड के हैं उन्हें पता होगा, पता नहीं दूसरी साइड में होता है या नहीं। तो मैंने अपनी नानी को हाय बोलने के लिए बोला था तो वो हाय कर रही है आप सभी को। तो ये मेरी नानी है, मेरी मम्मी की मम्मी, और ये मेरी भाभी की मम्मी है, भाभी की बहन है, ये मेरी मासी है और सबसे छोटी मासी। और उसके बाद मैं आपको सबसे मिलाती हूँ आज। मतलब यहाँ पर बैठे थे हम लोग और हमें करनी थी हल्दी की डेकोरेशन की तैयारी। तो यहाँ पर डेकोरेशन की तैयारी के लिए ये सब चल रहा है। तो ये मेरी भाभी है, उसी की मम्मी और बहन है वो। और सब कुछ हम लोगों ने निकाल लिया था जो डेकोरेशन का सामान था और हमें डेकोरेट ही करना था अभी सब कुछ। यहाँ पर भाभी थाली भी परोस रही थी। ये मेरी बड़े पापा की बहू है, मतलब बड़े पापा के बेटे की वाइफ। और ये मामी और मम्मी थी। तो यहाँ पर सब लड़के मिलके डेकोरेशन कर रहे थे, फिर हम लोगों ने भी हेल्प की डेकोरेशन के लिए उनको। और सभी ने येलो कुर्ते पहने थे, हल्दी का दिन था तो सब लोगों ने येलो साड़ियाँ, मतलब लेडीज़ ने येलो साड़ियाँ, कुछ लोगों ने येलो कुर्ते, सब लोगों ने येलो कुर्ता पहना था। मतलब जो लड़के थे उन्होंने, सब लोगों ने येलो कुर्ता पहना था। यहाँ पर हल्दी का ये पोस्टर लाया था वो लगा रहे हैं सब, और ये बैकग्राउंड रेडी कर रहा है हल्दी के लिए। और हल्दी का जो ये सेटअप है ये रेडी हो रहा था वॉल कंपाउंड में। हम लोगों ने डीजे वगैरह लगाया था वहाँ पे, हम लोग डांस भी करने वाले थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पर भाभी वगैरह और मैं सजेस्ट कर रही थी कि ऐसे ऐसे लगाओ, आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिल जाएगा बाद में कि हम लोगों ने किस तरह से डेकोरेट किया था। हम लोगों ने घर पे ही डेकोरेट किया था, किसी डेकोरेशन वालों को नहीं बुलाया था। मतलब ये तो बाकी का तो डेकोरेशन वालों ने ये पर्दे वगैरह लगा के गए थे, बट जो थोड़ा सा करना था वो हम लोगों ने घर पे ही किया था। जो भी हमें थोड़ा सा डेकोरेशन करना था वो, वैसे घर का ही डेकोरेशन इतना ज़्यादा अच्छा हुआ था ना, मतलब सिंपल एंड सोबर डेकोरेशन किया था बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे जो घर पे करते हैं ना तो मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम लोगों ने घर पे खुद से किया है ये। तो इस तरह से ये हम लोगों ने ये किया था। मतलब मैं बता रही थी उन्हें, जैसे भाभी और मेरी, मैं उनको सजेस्ट कर रही थी कि ऐसे ऐसे करो, और हमारे हाइट थोड़ी सी कम पड़ रही थी तो इसी वजह से लड़कों ने लगा के दिए फिर वो चीज़ें।
दूल्हे को जब हल्दी लगती है उसके बाद नहानोरा होता है, मतलब दूल्हे को नहलाया जाता है, तो वो बाहर ही नहलाया जाएगा। तो यहाँ पर पहले से ही लेडीज़ बैठ गई है बाहर, और उसके बाद यहाँ पर जो देवकुंडी हुई थी तो वो मैं देवकुंडी दिखा देती हूँ आपको। कुछ इस तरह से ये लिखा जाता है, वो लगाया जाता है वहाँ पर, फिर ये दो मटके रखे जाते हैं और ये धान निकलती है उसके बाद, तो कुछ दिन रखा जाता है ये देवकुंडी ना, सवा महीना रखते हैं। और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था ये टीपॉय पे हम लोगों ने। आजू बाजू उसकी समैया रखी है और समय में दिए जलाएंगे, मतलब बाती जलाएंगे। उसके बाद बीच में वो थाली रखी है हल्दी की, और इस तरह से ये डेकोरेशन हुआ है। उसके बाद अद्विक कैसा लग रहा है बताना ज़रूर, बहुत अच्छा लग रहा था अद्विक तो, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके ऊपर ये कुर्ता, मतलब येलो सब लोगों ने पहना था तो वो भी ज़िद कर रहा था येलो पहनने के लिए, तो उसके लिए भी कुर्ता लेके आए थे टाइम पे। हम लोगों को लगा कि वो पहनेगा नहीं, फिर टाइम पे हम लोग उसके लिए कुर्ता लेके आए थे और उसको भी पहना दिया था, बहुत अच्छा लग रहा था वैसे, बहुत क्यूट लग रहा था वो भी। तो आज मैं आपको पूरा हल्दी का नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ सेटअप रेडी किया है आज हम लोगों ने हल्दी का, आप सेटअप देख लीजिए हल्दी का। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हल्दी पूरी देखने के लिए मिलेगी कि हल्दी में क्या क्या होता है हमारी साइड में। तो आज आपको सिर्फ मेहंदी और उसके बाद हल्दी के दिन सुबह क्या हुआ वो देखने के लिए मिला, उसके बाद ये सेटअप। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरी हल्दी देखने के लिए मिलेगी, मतलब पूरा हल्दी का प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा कि हमारी साइड में कैसे कैसे हल्दी होती है, खेली जाती है हल्दी। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आगे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।